Welcome back to my channel. My name is Anurag and you are watching MH17 Vlogs. So welcome back to part 2 of my bikes. तो आज हम बात करेंगे यूनिकॉर्न के बारे में. ये बाइक ऑलमोस्ट 10 ईयर का हो चुका है. कंडीशन अभी भी बहुत अच्छा है, चलने में भी कोई परेशानी नहीं है. 110 पे मैं खुद लेकर गया उस बाइक को, मक्खन जैसी अभी भी चलती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. छोटे मोटे इशू आते रहते हैं तो वो बाइक से तो चलता रहेगा. और मैंने इस बाइक को टेल टाइडी किया है. अगर इस चैनल पर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता चलेगा कि मैंने इस बाइक पर टेल टाइडी कैसे किया है. तो कुछ वीडियोस हैं मैं जो आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिए मैंने ये बाइक कितना किलोमीटर चला है. मैंने अभी तक देखा नहीं, इस पर मैंने ये चैनल नहीं था तब. मैंने पुणे के आसपास दो राइड्स किए हैं छोटे मोटे, तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है. कंफर्ट उतना नहीं है कंपेरेटिव टू टूरिंग बाइक, पर स्पोर्ट्स बाइक से तो अच्छा है इसका कंफर्ट. सिटी में चलाने के लिए बहुत अच्छा बाइक है, तो मैं सिटी में चलाने के लिए यही बाइक निकलता हूँ. हिमालय तो सिर्फ बाहर हाईवेज पे और राइड्स वगैरह पे निकलती है. तो जब मेरे पास हिमालय नहीं थी, ये लेके कितना महीना हो गया, ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स हो गया. उसके पहले तो मेरे पास यूनिकॉर्न ही थी और उससे ही मैं व्लॉग्स वगैरह करता था. आप मेरे पुराने वीडियो एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि सभी के पास बहुत टाइम है. तो बस, और यूनिकॉर्न पर मेरा एक गंदा वाला एक्सपीरियंस भी है कि ये बाइक का जब आप फ्रंट ब्रेक दबाओगे तो बहुत स्कीड करता है, बहुत. इसकी वजह से मेरा एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था. ये थंब है जो, वो ब्रेक हुआ था, इतना भी बड़ा नहीं था पर थोड़े फार स्क्रैचेस वगैरह आए थे. जो ये जो बाइक का ये जो फ्रंट वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट पूरा डैमेज हो गया था, तो वो सब रिपेयर हो गया. तो मुझे ये कहना है कि राइडिंग गियर्स भाई साहब पहन के ही चलो, विदाउट राइडिंग गियर्स ड्राइव मत करो, क्योंकि बहुत बहुत रिस्की हो जाता है. तो बस, और इसके बाद मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कि मैं पूरा दिन इस लॉकडाउन में क्या कर रहा हूँ, उसका वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ. तो मेरा प्लानिंग चल रहा है कि पूरे दिन सुबह उठने से तो रात के सोने तक मैं दिन भर क्या करता हूँ उसका एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये दिन वापस आने वाले नहीं है. इतना बड़ा वाला तो क्वारंटाइन फिर से ज़िंदगी में कभी देखने को नहीं मिलेगा, तो एक मेमोरी बन के रह जाएगा मेरे पास क्या करते थे इन दिनों में. उस वक्त देखने में बहुत मज़ा आएगा. सीरीज था मेरे बाइक्स के बारे में, बोथ बाइक्स मेरी हिमालय और यूनिकॉर्न के बारे में. आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट डाउन बिलो. और यहाँ तक देख ही लिया है बोथ सीरीज तो लाइक करना दोनों सीरीज को. और जो लोग भी नए हैं, फर्स्ट पार्ट भी आप लोग चेक कर लीजिए, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा. तो ये फ्रेम जो मैंने बनाया है, ये जो बैक साइड में बाम्बू प्लांट है और ये लेंस वगैरह रखा है, तो आपको ये कैसा लगा वो भी जरा बताइएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो आपका रिस्पांस भी बहुत इम्पोर्टेंट है. आप सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक कि नेक्स्ट वीडियो किस बारे में हो, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ. तो कमेंट डाउन बिलो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, नेक्स्ट से नेक्स्ट वाला. तो नेक्स्ट वाला वीडियो में किसके बारे में बनाऊंगा, तो ये तो मैंने बता ही दिया है, वो होगा मेरा वर्ल्ड डे इन क्वारंटाइन, तो मैं दिन भर क्या करता हूँ वो होगा. तो बस उसके बाद में आपको वो कौन सा वीडियो चाहिए वो कमेंट डाउन कर दीजिए. मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि वो वीडियो मैं अच्छी तरीके से बनाऊं. दिस इज अनुराग साइनिंग ऑफ.